जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लेकर। आप आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है भारत के राष्ट्रपति। हाल ही में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, जिसमें द्रौपदी मुर्मू मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति चुने गई। और इन इनसे लेकर जैसे इनके बारे में कुछ वो बातें हैं, उनको देखेंगे ये कहाँ से है और ये उड़ीसा उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य है से संबंध है इनका, और वहाँ से संथाल जनजाति। संथाल जनजाति से इनका संबंध है और ये पहली आदिवासी महिला हैं। और इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी हैं। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो है श्री जगदीश धनखड़। श्री जगदीश धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुना गया है और इनका संबंध भारत के राजस्थान राजस्थान से इनका संबंध है। और इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इससे अगले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे नेक्स्ट चुने जाने हैं, यानी जो अपॉइंटमेंट होगा उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित, यानी उदय उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है। और ये भारत के 49 यानी 49वें नंबर के CGI होंगे और इनका कार्यकाल मात्र 78 दिनों का इनका कार्यकाल होगा। इसके बाद आते हैं चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। वो कौन है हाल ही में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है? पच्चीसवें नंबर के जो राजीव कुमार, 25वें नंबर के राजीव कुमार को भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद है CVC, CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो वो हाल ही में किनको अपॉइंटमेंट की गया है? वो है सुरेश एन पटेल को ये CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुना गया है। उसके बाद है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो है जो महानिदेशक है वो सत्येंद्र प्रकाश को PBI यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक चुना गया है। उसके बाद है KVIC यानी खादी ग्राम आयोग के, इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो है मनोज कुमार। और KVIC की स्थापना 1956 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके बाद है आई सी ए आर के जो महानिदेशक हैं वो
हिमांशु पाठक, हिमांशु पाठक को आईसीएआर का महानिदेशक बनाया गया। उसके बाद है, और इसका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद है आईबी, आईबी तपन कुमार डेकाकॉम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया। उसके बाद है सीएसआईआर, सीएसआईआर इसकी जो हेड है नल्ला थंबी, नल्ला नल्ला थंबी यह पहली महिला है जो इसकी अध्यक्ष चुनी गई, इसकी जो महानिदेशक यानी महानिदेशक हैं। और एक पॉइंट इसका ये भी याद रखना कि सी एस आई आर की जो हेड होते हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी इसके जो अध्यक्ष हैं सी एस आई आर के अध्यक्ष वो हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद हैं कुछ नीति आयोग के अपॉइंटमेंट हुए हैं जो हाल ही में, नीति आयोग के बारे में देखेंगे। नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं परमेश्वर, परमेश्वर अय्यर को इसका सीईओ बनाया गया है। और वहीं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सुमन बेरी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और वहीं इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। उसके बाद है जैसे हमारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इनके चीफ कौन कौन है वो भी एक बार देख लीजिए। थल सेना के जो हेड है वो है मनोज पांडे, और थल सेना दिवस पूछ लिया जाए तो 15 जनवरी। उसके बाद है एयरफोर्स, एयरफोर्स जो एयरफोर्स चीफ है वो है वी के चौधरी, यानी विवेक कुमार चौधरी, ठीक है। और उसके बाद है नेवी के जो हेड है वो है एडमिरल आर हरी राव, ठीक है। और जैसे हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, और इज़राइल के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम, इनका भी अपॉइंटमेंट हाल ही में इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे श्रीलंका के जो हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं वो है रनिल विक्रम सिंघे, रनिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं एंथनी अल्बनीज, और उसके बाद है इज़राइल के पीएम, इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो है लैपिड यार। लैपिड यार
दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लेकर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।